हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्विक पेंटिंग जो कि रियल टाइम में रहेगी। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ भी ये पेंटिंग बना सकते हैं। जो कलर्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो एक लिमिटेड पैलेट में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर है 4 कलर्स: टाइटेनियम वाइट, येलो ऑकर, बर्नट अम्बर एंड अल्ट्रामरीन ब्लू। इसी के साथ हम लोग अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ऑयल पेंटिंग डिफ़िकल्ट होती है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं ऑयल पेंटिंग ट्राई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ऑयल पेंटिंग में। मतलब जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, क्योंकि कलर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम बटर जैसी होती है, तो ऑयल पेंटिंग अपने आप में ही बहुत एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस रहती है। तो वो एक आपकी, अगर आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस या ऐसा कुछ भी है, तो वो भी एकदम से दूर हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा कलर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी अर्थ टोन है, सिर्फ एक ब्लू कलर को छोड़ के, क्योंकि हमारी पेंटिंग्स जो है वो थोड़े से माउंटेन्स इसके अंदर होंगे, तो इसलिए मैंने ये 4 कलर्स चूज़ किए हैं इस पेंटिंग के लिए। और एक चीज़, ऑयल पेंटिंग अगर आप सोचते हो कि डिफ़िकल्ट होती है, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। ऑयल पेंटिंग एक्चुअल में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है जितना इसको दिखाया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप साइकिल चलाने से पहले ये सोचोगे कि यार मैं गिर जाऊँगा, तो 90% चांसेस हैं कि आप गिरोगे। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये सोच के चलाते हो कि यार मुझे ना सीखना है, तो आप गिरोगे तो, लेकिन आपके माइंड में वो डर नहीं रहेगा कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि आप सीखने के उससे चला रहे हो, बजाय ये सोच के कि यार मैं गिर जाऊंगा। तो सेम आप ऑयल पेंटिंग पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डिफ़िकल्ट होती है। एक्चुअल में ऑयल पेंटिंग करने में मज़ा इतना आता है कि आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है ऑयल पेंटिंग का, और बहुत इसके जो कलर्स, इनफैक्ट जो ऑयल पेंट के कलर्स रहते हैं ऑयल पेंट, वो खुद में ही मतलब एक बटर जैसी कंसिस्टेंसी होती है। तो जब आप पेंट चलाते हो ना कैनवस के ऊपर, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। तो उससे आप इंगेजिंग प्रोसेस होता है कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है, वो आपको अपने काम में लगाए रखता है। वो इस तरीके का एक प्रोसेस रहता है। और जो यहाँ पर कलर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और मैं एक छोटा मीडियम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्नर में, एक छोटा सा मीडियम रखा हुआ है, ये मैं लिक्विड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं हमें पेंटिंग करते हुए, और हमारा काफ़ी सारा एरिया कवर अप हो गया है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कलर्स जो है वो, अगर आप डायरेक्टली, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कलर को, यहाँ पर जो हम लोग ब्लू यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं येलो में वाइट मिला के अगर उस ब्लू में यूज़ ना करूं, तो वो ग्रीन कलर बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि स्काई के अंदर ग्रीन कलर आए। तो इसलिए जो येलो कलर है उसके अंदर मैं वाइट मिला के उसको यूज़ कर रहा हूं, ताकि हमें एक एक डल सा कलर मिल जाए, जैसे बादल होते हैं, तो वैसा कलर हमें मिल जाए। तो आप साथ साथ ये पेंटिंग फॉलो अप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए पेंटिंग करते हुए। अब यहाँ पर मैं एक ही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितना वहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो, क्योंकि ब्रश में, अभी मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्रश के अंदर ये ब्लू कलर है। अगर मैं उसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो मैंने बहुत प्रेस किया ब्रश को, बट जब मैं पहले येलो कलर से कर रहा था तो मैं हल्के हाथ से उसको कर रहा था, क्योंकि उसकी टिप पे येलो कलर था और उसके ब्रश के अंदर जो है वो ब्लू कलर जा चुका है। तो अगर मैं जब उसको, ब्रश को ज़्यादा दबा के प्रेस करूँगा, तो ब्लू कलर निकल जाएगा उस ब्रश से, जो कि हम कैनवस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं उसको थोड़ा, अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने ब्लू कलर लिया और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि आप इसके लिए अलग अलग ब्रश यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी काम करना चाहता हूँ इसलिए मैं एक ही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और ये ब्रश हैंडलिंग की चीज़ें आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो अपने आप, आपकी मसल मेमोरी में अपने आप आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसा मतलब होता है कि सिर्फ हमारे दिमाग की ही मेमोरी नहीं होती, हमारी बॉडी की भी मेमोरी होती है। तो वो चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में आ जाती हैं, जैसे कि फिर आपको हर बार जब आप कलर मिक्स कर रहे हो, तो आपको पैलेट पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक वो चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। फिर कि आपने देखा कि यार ये वाला कलर मुझे चाहिए, तो आपके हाथ अपने आप चलते हैं कि ये मिक्स किया और ये वाला कलर आपके पास बन गया, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में, आपकी बॉडी की मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं वो चीज़ें, जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो। तो अब यहाँ पर करीब 5 मिनट हमें हुए पेंटिंग करते हुए, और जो हमारा स्काई है वो एकदम से निकल के आने लग गया है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो स्काई है,
जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, उसके नीचे जहाँ पर अभी मैं ब्रश चला रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा वो डल है, क्योंकि वहाँ पे होराइजन लाइन है हमारी। और ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप लाइफ से अलग करके पेंटिंग को नहीं देख सकते हो, आपको ना रियल लाइफ में चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक एक्सरसाइज रहेगी। अब मैं वापस आता हूँ क्लाउड्स पे। तो जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्लू हैं, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वो डल हो रहा है कलर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम ऊपर देख रहे हैं तो वो चीज़ें सन के काफ़ी नज़दीक हैं, जो ऊपर वाले क्लाउड्स हैं या एटमॉस्फेयर है, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो स्कैटरिंग हो रही है जो लाइट की, और वहाँ पे जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो ज़्यादा विजिबल है। और जबकि वो नीचे आती है जब वो चीज़ें, तो वो होराइजन लाइन पे है, जहाँ पे हम लोग अभी छोटे छोटे अभी मैं जो पहाड़ बना रहा हूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ें होराइजन लाइन पर हैं और वो बहुत दूर हैं, लेकिन जो स्काई है वो उसके मुकाबले नज़दीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो स्काई है वो हमें क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग है वो ऊपर की तरफ सन के ज़्यादा नज़दीक है, और जो चीज़ें हैं वो सन से ज़्यादा दूर हैं जो हम नीचे देख रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टिकल्स जो हैं वो डेंसर हो जाते हैं वहाँ पे, और आपको जो कलर्स है वो इतना ब्राइट नहीं दिखता है, वो डल दिखता है। इसलिए हमने यहाँ पे स्काई को इस तरीके से हम लोग परसीव करते हैं कि ऊपर की तरफ से आते आते नीचे वो थोड़ा डल होता चला जाता है। और सेम हमने यहाँ पे अभी जो आप छोटा सा हमने यहाँ पे माउंटेन बनाया, तो अभी इसे आप देख सकते हैं कि वो माउंटेन जो है वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो बैक साइड में, मतलब कि काफ़ी दूर है हमसे। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी पहाड़ी बना देते हैं। और आपको जब आप पेंटिंग कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको मस्त रहना है, एकदम से बढ़िया मज़े लेके पेंटिंग करिए, मस्ती में पेंटिंग करिए। और आपको इस चीज़ को लेके ज़्यादा मतलब सोचिए मत कि यार गलत हो जाएगा, या फिर यू नो एक्सपेरिमेंट कीजिए चीज़ों के साथ। किसी कलर अगर आपको कोई नई कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप करके देखिए, कुछ तो करके देखिए, कुछ तो निकल के आएगा। उस चीज़ में मत रहिए कि यार ये मुझे पता नहीं है तो मैं ये हो नहीं रहा है मुझसे, उस चीज़ में मत रहिए। कि अगर आपसे कुछ हमको लग रहा है ये वाला कलर कैसे मिलेगा, तो आप अपना कुछ गेस करके देखिए कि यार ये वाला कलर ये मिक्स करके देखता हूँ, तो आपको मालूम हो जाएगा ना कि भाई इससे या तो बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स आप पेंटिंग के दौरान करते रहिए, कोई बात नहीं गलत हो जाएगा, लेकिन उसी तरीके से आप सीख पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करूँगा, नहीं कर पाओगे। वो तरीका थोड़ा सा, क्योंकि ये साइंस या मैथ नहीं है कि आप फॉर्मूलाज याद कर लोगे और फिर आप वो चीज़ें अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ये एक आर्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है, पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है, जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो यहाँ पर हमारी पेंटिंग धीरे 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 प्रोग्रेस कर रही है। तो अभी आप एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो आप ये भी ये जो पहाड़ी हम लोग आगे बना रहे हैं जो आगे की साइड है, तो आप एक और चीज़ देखिएगा, कभी भी फ्लैट कलर आप मत लगाइए। फ्लैट कलर जो है वो बोरिंग लगता है पेंटिंग के अंदर। हाँ, अगर इंटेंशनली कोई चीज़ आपको ऐसी दिखानी है तो अलग बात है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल फ्लैट मत बनाइए। नेचर में कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, नेचर में कभी आप नहीं देखेंगे कि फ्लैट कोई चीज़ आपको नज़र आए, फ्लैट या फिर ओवर स्मूथ की हुई, मतलब कि बिल्कुल कतई स्मूथ चीज़। नेचर में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे छोटे 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 कलर्स के पैचेस लगा दिए, और अब मैं उनको रिफाइन कर रहा हूँ। इससे होता क्या है कि वैरायटी क्रिएट हो जाती है, और वो विजुअली देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हमें लाइफ में वैरायटी तो चाहिए, तो वो देखने में वो चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं, आपकी पेंटिंग भी अपीलिंग होती है उस चीज़ से। लेकिन ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स आप उसमें लगा दें, वो तो आपस में लड़ने लग जाएंगे कि मुझे देखो मुझे देखो। तो थोड़े से डल कलर्स वहाँ पर लगाएं, जैसे कि अब ये पहाड़ में आप देख सकते हैं कि पूरा येलो है, लेकिन येलो में भी आपको बहुत सारी नॉइज़ दिख रही है कि भाई कहीं कहीं उबड़ खाबड़ सा है, या फिर कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, तो वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं पूरी पेंटिंग के लिए ऑलमोस्ट एक ही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ।
और मैं ये करने की आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप अलग अलग ब्रश यूज़ करें अलग अलग कलर के लिए, जैसे ब्लू के लिए आप अलग यूज़ करें और येलो कलर के लिए आप अलग ब्रश यूज़ करें और वाइट के लिए आप अलग ब्रश यूज़ करें। क्योंकि अगर आपने एक ही ब्रश यूज़ की पूरी पेंटिंग के लिए तो हो सकता है आपके कलर्स जो है वो ओवर ब्लेंड हो जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएं कि पहाड़ के अंदर भी आपको कहीं कहीं ब्लू ही नज़र आए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आप सेपरेट ब्रश यूज़ करें अलग अलग कलर्स के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि जब एप्लीकेशन कलर की मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो पहली लेयर है या फिर जो पहली बार मैं जब कलर लगाता हूँ तो मैं वो काफ़ी फ्लैट कलर लगाता हूँ, यानी कि काफ़ी थिन कलर लगाता हूँ। मैं थिक कलर वहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। थिक कलर हम इसके ऊपर लगाएंगे जब हमें और ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी या फिर और ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने होंगे, जैसे कि अभी जो स्काई है इसके अंदर जब हमें थोड़ा हाईलाइट ऐड करना होगा तो हम वहाँ पर थोड़ा थिक कलर लगाएंगे ताकि वो अपीयर हो कि ये हाईलाइट है, वो ज़्यादा लाइट कैच करेगा। क्योंकि जहाँ पे भी आप थिक कलर लगाओगे वहाँ पे वो कलर जो है वो ज़्यादा लाइट कैच करेगा और वो ज़्यादा विजिबल होगा वहाँ पे। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा कलर जो है वो थिन लगाएं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे थिक कलर लगा रहा हूँ इसके ऊपर, और ऐसे ही अब इसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन होगी पेंटिंग में वो थिक एप्लीकेशन होगी। और बस थोड़ा लोड कीजिए कलर, थोड़ा बहुत सारा कलर उठाइए ब्रश के ऊपर और बस लगा दीजिए उसको बढ़िया मज़े से, तो अब इस पहाड़ी को थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन कर देते हैं। और आप इजीली आप ये पेंटिंग आप फॉलो अप कर सकते हैं साथ साथ। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, सिर्फ दो ही कलर इसके अंदर हैं ऑलमोस्ट, और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत प्लीजिंग सा सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश करते हैं पेंटिंग को थोड़ा सा क्विकली। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बिल्कुल थिक एप्लीकेशन कर रहा हूँ, यानी कि भर भर के कलर लगा रहा हूँ बिल्कुल। और जो एक दो रिफाइनमेंट आपको करनी है पेंटिंग के अंदर वो फिर आप बाद में कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे स्काई थोड़ा सा और इसके अंदर लगा कि ऊपर से मैं ब्लू दिखाऊं उसको ताकि थोड़ा और कंट्रास्ट क्रिएट हो, थोड़ा और वो विजुअली बेटर लगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा और स्काई वो थोड़ा डायनेमिक वो लगे इसलिए मैंने स्काई के अंदर थोड़ा और ब्लू ऐड किया। और यहाँ पर मैंने कंपास यूज़ किया था जो आपने बीच में देखा था, थोड़ा सा स्क्रेप करने के लिए, जिसके लिए हमें थोड़े पौधे वगैरह उसके अंदर दिखें कि पहाड़ में छोटे छोटे पौधे कहीं पे उगे हुए हैं। अब हम लोग पेंटिंग की टेप रिमूव करते हैं और देखते हैं हमारे एजेस एकदम क्लीन निकल के आए हैं। तो यहाँ पर पेंटिंग की टेप्स हमने रिमूव कर ली, और ये जो है ना जब टेप रिमूव करते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाइंग एक प्रोसेस होता है पेंटिंग का। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिंग हमारी रेडी है और इस तरीके से हमारी पेंटिंग जो है वो निकल के आई है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।